क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है। लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाए। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहाँ उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का। जय मसीह के प्रियो, मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ खान सर के बारे में, जो पटना के रहने वाले हैं। 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। उन्होंने चलती क्लास में क्रिश्चियन के बारे में बोला कि क्रिश्चियन धर्म को देखो कि सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियन में होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते, ऐसी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर धर्म बदलने पर हमारे सब के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ही क्रूस पर बलिदान दिया। जानकारी के तौर पर बता दे कि खान सर क्रिश्चियन धर्म के नहीं बल्कि मुस्लिम हैं, और एक बात बोली है जो क्रिश्चियन धर्म के स्कूल और कॉलेजों के बारे में, वो हम इस वीडियो क्लिप के द्वारा जानते हैं। क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है। लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाए। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहाँ उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, ये सारी चीजें। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन है ना, 8th से 10th तक, वो इन्हीं का है। जितना प्राइमरी एजुकेशन है क्रिश्चियंस का है। हम लोग बाकी रिलीजन के लोगों ने भी खोला है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं किसी काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से खोल रखा है। और आप क्रिश्चियन स्कूल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उससे क्लास स्टार्ट से पहले प्रेयर होता है, और इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद ईसा मसीह की कुछ ना कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। आराम से वो करते हैं, किसी की बुराई करते हैं आप नहीं देखेंगे, इसलिए लोग उसमें ज्यादा, इसलिए आप देखिएगा ना, जितना ज्यादा बुराइयां कीजिएगा आपके दुश्मन उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिएगा, क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत कम लोग बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। मेरे मसीह प्रियो, आपको मालूम ही होगा कि अभी धर्म परिवर्तन के नाम पर मसीह लोगों को सताए जा रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर मारा भी जा रहा है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं पर हम सब के लिए आए थे। हमें बाइबल के वचन पढ़ना या सुनना जरूरी है, इतना ही संसार के बारे में भी जानना जरूरी है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।